हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को अगर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए करें तो जिस काम को करने में हम लोगों का काफ़ी समय लगता था उस काम को हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत जल्दी कर लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपका एक रुपये भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर कपड़े धोने के जो ब्रश हैं उसको लेकर के है। इससे ब्रश से हम लोग बहुत अच्छे से कपड़ों को भी सफाई करते हैं, घर के जो डोरमैट वगैरह होते हैं उनको भी क्लीन करते हैं। होता क्या है, इसमें रेशे वगैरह या क्लीन करते वक्त इसमें जो बाल होते हैं फंस जाते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे ही हाथ से निकालने बैठेंगे तो ये इजिली नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ले लेना है कांटे वाला चम्मच। तो यहाँ पे देखिए मैंने कांटे को ले लिया है, फोक इस तरह से आपको लेना है, ब्रश के नीचे से इस तरह से डालना है, अच्छे से बालों को निकाल लेना है। तो जितने भी रेशे या बाल वगैरह इसमें फंसे होंगे इजिली कांटे की हेल्प से निकाल सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस तरह से आप इजिली फटाफट ब्रश को क्लीन भी कर सकती हैं जिससे इसमें जितने भी धूल गर्दा या रेशे वगैरह फंसे होंगे, बाल भी फंस जाते हैं, तो इजिली आप इसको निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इजिली बहुत ही अच्छे से ब्रश को क्लीन कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप ब्रश को मिनटों में साफ कर सकते हैं, जिससे अदर कपड़े भी आप साफ करेंगे तो बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे सरसों के तेल को लेकर के है। सरसों का तेल हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, लेकिन कैसे पता लगाएं कि ये सरसों का तेल जो प्योर है इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो घर की चीज़ों से हम लोग बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल को ले लेना है और यहाँ पे ले लेना है लहसुन। तो लहसुन यहाँ पे पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक कली निकालना है, एक कली लहसुन को अच्छे से छील लेना है। देखिए शुद्ध तेल अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग के शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होगा। आजकल हर चीज़ मिलावटी आ रही है। अगर आपको तेल को कैसे जानना है कि सरसों के तेल में कोई मिलावट तो नहीं है, बस आपको एक लहसुन की कली लेनी है और इसको इस तरह से छील लेना है। छीलने के बाद आप जिस कटोरी में तेल को निकालना है आपको इस तरह से लहसुन छील के इसी कटोरी में डाल देना है। डालने के बाद आप इसको करीबन 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट में अगर आप देखते हैं कि लहसुन की कली थोड़ा भी कलर में चेंज होती है तो आप समझ जाइए कि इस तेल में मिलावट है। चलिए आपको दिखाती हूँ। करीबन 10 मिनट हो गए, यहाँ पे मैंने अच्छे से तेल से लहसुन को निकाल लिया है और अच्छे से हाथ से आपको रगड़ लेना है ताकि जितना भी ऑयल लगा है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन में कोई भी फर्क नहीं है। अगर तेल मिलावटी होगा तो लहसुन में हल्का सा हरापन आ जाएगा। तो यहाँ पर लहसुन पूरी तरह से सफ़ेद है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि जो सरसों का तेल हम लोग लाए हैं वो बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर है, जैसे पंचमुखी बाती बनानी होती है हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, लेकिन ईजिली आप इसको घर में बना सकती हैं। तो यहाँ पर ले लेना है आपको रुई, रुई लेना है ना आपको, इस तरह से रुई की नोक निकालना है आपको, थोड़ा सा दूध लेना है, दोनों साइड इस तरह से नोक निकाल लेना है। तो इस तरह देखिए एक बाती मैंने आपको बना करके दिखा दी है। तो इस तरह से आप 5 बातियों को बना लें। दूध से क्या होगा, बहुत ही अच्छे से बातियां हम लोगों की जलेंगी, जिस तरह से तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं बिल्कुल नहीं करेंगी और काफ़ी लंबे समय तक जलेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 रुई को ले लिया है, इस तरह से 5 बातियाँ आपको बना लेनी है। तो इस तरह से बातियाँ बनाने के बाद आपको क्या करनी है, दोनों तरफ हम लोग ने यहाँ पर बातियों की नोक निकाली है, आपको सभी बातियां पकड़ के इसकी नोक को अच्छे तरह से दूध की हेल्प से एकदम आपस में मिला देना है, जिससे बिल्कुल भी अलग ना हो और बहुत ही अच्छे से पंचमुखी बाती हम लोगों की बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 बातियों की जो नोक थी मैंने अच्छे से ले ली और दूध की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसको मोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए पंचमुखी बाती बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगी तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इजिली आप बना भी सकेंगी। एक दिया में मैंने इस तरह से तेल को ले लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरह से आपको डाल देना है। इस तरह से जब आप पंचमुखी बातियों को जलाएंगी तो बहुत ही अच्छे से जलेगा। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे है, कैसे हम लोग पानी से बहुत ही अच्छे से दिए को जला सकते हैं। आप कोई भी पुरानी बॉटल ले लीजिए, बस आपको इस तरह से थोड़ा सा पीस कट कर लेना है, तो बहुत ज़्यादा पीस बड़ा नहीं करना है, इतना छोटा पीस कर लेना है। उसके बाद आपको ले लेना है दियाली। तो दियाली में आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो कुमकुम कर लें या कोई भी कलर डाल दें जिससे थोड़ा सा पानी का कलर चेंज हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल हमने छोटा सा टुकड़ा कट किया था, आपको उसमें बीच में एक होल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कैंची की हेल्प से आप होल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ले लेना है बाती। तो यहाँ पर लंबी बाती आपको लेना है। इस तरह से बाती लेने के बाद जो होल हम लोगों ने प्लास्टिक में किया था आप इजिली उसमें डाल लें। अगर बाती ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको थोड़ा सा नीचे से कट कर दें, बहुत ज़्यादा बड़ी बाती लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये हम लोगों का बन करके तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, करीबन 4 से 5 बूंदे आपको इस तरह से पानी में डाल देनी है सरसों तेल की। तो बस इससे ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, इसी में करीबन दिया 2 से 3 घंटा आराम से चलेगा। थोड़ा सा तेल आपको इस तरह से बाती के नोक पे लगा देना है ताकि अच्छे से हम लोग इसको जला सके। ये देखिए यहाँ पे बन करके तैयार हो गया, हम लोग का पानी वाला दिया जिसको आप बहुत ही अच्छे से जला सकती है। इसमें बगैर तेल के जो दिया है 2 से 3 घंटे आराम से चलेगा। इस तरह से आपको जो प्लास्टिक में हम लोगों ने बाती डाली थी पानी में आपको डाल देना है। चलिए आपको जला करके दिखाती हूँ कितने अच्छे से हम लोगों की बाती बन करके तैयार है। तो इस दिवाली आप बगैर तेल के इस तरह से पानी से दिया जलाएंगी तो ये बहुत ही अच्छा जलेगा, कोई खर्चा भी हम लोगों का नहीं है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से दिया जल रहा है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने जलाया और तुरंत बुझ जाए। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। आप इसको अपनी छत पर, घर पर, कहीं भी रखेंगे ये बहुत ही अच्छे से जलता भी रहेगा। लेकिन आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। अगली टिप मेरी यहाँ पर दियाली को लेकर के, ऐसा होता है ना हम लोग ऑयल वगैरह जब डालते हैं तो कभी कभी इस तरह से दियाली से तेल निकल के नीचे आता है, जिससे क्या होता है सरफेस भी खराब होता है, जहां भी हम लोग दिया रखते हैं वहां पे तेल तेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी बैलून आपको ले लेना है। अगर आपके पास बैलून हो तो आप इस तरह से बैलून को आधा कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैलून को आधा कट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस दिए से ऑयल निकल रहा है नीचे छेद हो गया है तो आप उस दिए को हटाइए नहीं, क्योंकि इसमें काफी ऑयल रहता है। अगर दूसरे ऑयल में हम लोग हैं तो काफी दिक्कत होती है। इस तरह से आपको बैलून दियाली में पहना देना है, इजली बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिए को रख देना है। अगर ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत भी निकलता है तो सरफेस बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, जहां भी दिया आप रखेंगी उस जगह खराब नहीं होगी। तो ये भी बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पर वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।